नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता हूँ, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। अगर किसी स्टॉक को आप बाई करते हैं तो क्या उसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखते हैं, यानी कि पिछले 4 साल से 5 साल से वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है उसे अगर आप चेक करते हैं तो मेरे ख्याल से आप कभी भी स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं कर सकते। तो देख लेते हैं आज की कंपनी जिसका अगर बात करें रेवेन्यू की, तो आप देखेंगे रेवेन्यू लगातार काफी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो आप देखेंगे प्रॉफिट में भी आपको लगातार ग्रोथ देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। और आपको देखना भी चाहिए कंपनी का कि बैकग्राउंड कैसा है। अगर आप मिड टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड होते हैं किसी भी स्टॉक में तो आपको ये चीज जरूर चेक करनी चाहिए। तो देख लेते हैं इस कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। इस कंपनी के अगर मार्केट कैप की बात करें तो आप देखेंगे 3,997 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, जबकि अगर कंपनी के ऊपर डेप्ट की बात करें तो सिर्फ 28 करोड़ का आपको डेप्ट देखने को मिलेगा। कंपनी के पास कैश भी पड़ा हुआ है जो कि 8 करोड़ के आसपास का कैश पड़ा हुआ है, यानी कि अगर इनके डेप्ट की बात करें तो यह कंपनी अपना डेप्ट लगातार कम करती जा रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो आप देखेंगे इसमें काफी अट्रैक्टिव आपको वैल्यूएशन देखने को मिलेगा, जबकि अगर इफिशियंसी की बात करें तो आपको एक्सीलेंट इफिशियंसी देखने को मिलेगा, यानी कि इस कंपनी में ग्रोथ बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। तो देख लेते हैं इस कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों प्रमोटर्स होल्डिंग की अगर बात करें तो आप देखेंगे प्रमोटर्स होल्डिंग में प्लेस शेयर 0 है, यानी कि एक भी शेयर जो कि गिरवी नहीं रखा हुआ है। लेकिन कंपनी के अगर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो आप देखेंगे 68.17% की होल्डिंग है। पब्लिक की बात करते हैं तो आप देखेंगे 31.83% की होल्डिंग जो कि पब्लिक के पास है। FIIs, DIIs बिल्कुल भी इंक्लूडिंग नहीं है। मैं बात कर रहा इंडियन प्रेस्टीसाइज लिमिटेड यानी कि IPL के बारे में। अगर इस कंपनी के ग्रोथ की बात करें तो आप देखेंगे इस कंपनी में ग्रोथ काफी अच्छी है। अभी ये शेयर आपको 350 रुपए के आसपास मिल रहा है, लेकिन अगर इस कंपनी को आप कम से कम 6 से 8 महीने होल्ड करते तो यही कंपनी आपको शायद 1,000 रुपए के पार देखने को मिले। तो देख लेते हैं इस कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। अगर इस कंपनी के 52 वीक हाई और लो की बात करें तो आप देखेंगे इसका जो लो है वो है 330.05 रुपए का, जबकि इसका हाई है 368 रुपए का। अभी जल्दी में हाल ही में यह कंपनी लिस्ट हुआ था, लेकिन अगर इसमें डिलीवरी की बात करें तो आप देखेंगे 57% से ज्यादा की डिलीवरी उठाई गई है। क्वांटिटी की बात करते हैं तो 6,76,000 से ज्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है। देख लेते हैं इस कंपनी का चार्ट क्या कहता है। दोस्तों मैंने इसमें आवर्ली चार्ट लगा रखा है, 1 घंटे का चार्ट, जिससे इसका डेटा और भी ज्यादा आपको करेक्ट बता सकूं। तो इस शेयर को अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है या फिर आप करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से जरूर बाई करके रख लेना चाहिए, क्योंकि यह कंपनी आपको काफी ऊपर तक लेकर जा सकती है। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री की है तो आपके टारगेट्स क्या हो सकते हैं, स्टॉप लॉस क्या हो सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। आप देखेंगे जो अभी यह कंपनी चल रही है 347 रुपए पे चल रही है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टेड किया हुआ है तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 338 रुपए का, और जो आपका टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 364 रुपए का। इस लेवल को वो आप अपना स्टॉप लॉस और टारगेट्स मानकर आगे के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो आपको कहां पे एंट्री करना चाहिए, आप करंट प्राइस को भी बाई कर सकते हैं। 344 रुपए के आसपास अगर ये शेयर मिलता है तो आपको तुरंत बाई कर लेना चाहिए, क्योंकि ये इनका सपोर्ट जोन है। अगर ये लेवल तोड़कर कंपनी नीचे जाता है तो 338 रुपए पे अगला सपोर्ट जोन इसका बनता है, तो वहां पे भी आप बाई कर सकते हैं। तो कंपनी का जो फंडामेंटल है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो बहुत ही नाम मात्र का है, और कंपनी अपना डेप्ट लगातार रिड्यूस कर रहा है, ये भी काफी अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, क्योंकि ये कंपनी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।